अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये महिला दिवस महिलाओं के सम्मान के लिए और उनके हक के लिए मनाया जाता है, उनके हक की बात की जाती है। और ये महिला दिवस उन महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ने और उनको समझने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये उन सभी महिलाओं को सम्मान जो एक महिला अपनी हर माँ बहन और एक नारी कोई पत्नी इस तरह की अपन देखते हैं उनको, तो एक ये चीज़ है कि आज़ाद होने का मतलब आज़ादी नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि एक महिला आज़ाद होने का मतलब यह है कि वो पुरुषों से होड़ नहीं करना चाहती। आज़ाद होने का ये होता है कि वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसा रह सकती है, उसका मतलब यह है कि वो अपने व्यक्तित्व को निखार सके और समझ सके, ये चीज़ है। नहीं अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और क्या पता, हम लोग बैठे हैं, जैसे मुख्यमंत्री है उनको पता चल रहा है कि कोरोना हो गया है, तो इस टाइम अभी कुछ भी नहीं आया। हम चार बैठे, कोई भी नेता लोग या फिर कोई भी आम से मिलने नहीं आया, ये कोई फिक्स नहीं है। अभी तक हम लोग धरना है, अनिश्चित काल तक धरना है। देखिए ये तो मजदूर किसान संगठन की तरफ से और बाकी सारे जन संगठनों के सहयोग से ये धरना चल रहा है और अलग अलग मुद्दों पे है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं के हक अधिकार जो उन्होंने अपने संघर्ष करके जीते हैं, कमाए हैं, उनको याद रखने का दिन, और जो हमसे वंचित रह गई हैं बहनें उनको बराबरी में लाने का ये दिन है, ताकि जो हाशिए पे धकेली गई हैं, आज भी बहुत पीछे छूट गई हैं, जिनका आज भी दिन या तो हिंसा से जूझते हुए निकलता है या गोबर थापने और पानी ढोने में उनका दिन निकल जाता है, तो उनको भी ये अधिकार को मनाने का उनका भी मन होता होगा, तो वो क्यों पीछे रह जाएं। तो इसलिए उस बात को भी याद रखते हैं और अधिकारों की रक्षा के लिए और जिन लोगों ने संघर्ष किए हैं उनको भी याद करते हैं। सरकार तो सरकार है, मुख्यमंत्री जी को कोरोना हो गया है, सारी दुनिया में नहीं है लेकिन उनको है, तो फिर जब सरकार टाइम देगी तो निश्चित तौर पे लोग तो बैठे हैं मिलने के लिए, इसलिए अपना घर गांव छोड़ के यहाँ तक आते हैं। आज की स्थिति में महिलाओं के ऊपर जिस तरह के अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, उसमें कामगार महिलाओं के मुद्दों को, किसान महिलाओं के मुद्दों को, मजदूर महिलाओं के मुद्दों को, ट्रांसजेंडर के मुद्दों को उठाना बहुत ज़रूरी है, और हम महिला दिवस इसीलिए मना रहे हैं कि जो वंचित पिछड़ी हुई गरीब महिलाएं हैं उनके न्याय की और हक की बात करें, अल्पसंख्यक महिलाओं के हक की बात करें और उसके संघर्ष में उनके साथ हम खड़े हों, यही इसकी सार्थकता है। मुझे लगता है आज के दिन एक बार और बड़ी संख्या में अभी औरतें आ रही हैं और आज के दिन एक बार और औरतें के आवाज़ के ज़रिए, उनके गीतों के ज़रिए, उनकी कविताओं के ज़रिए ये बात उठाई जाएगी कि हमें एक न्यायप्रिय व्यवस्था चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, हमें भेदभावपूर्ण व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ये जो लगातार समाज में जो वैमनस्य और विघटन पैदा किया जा रहा है, औरतों के लिए, औरत किसी भी तरफ हो औरतें ही परेशान होंगी, उन्हीं के बच्चे जाएंगे, इसीलिए हमें समाज में सबसे पहले तो शांति चाहिए और न्याय चाहिए, और सरकार को इस बात का ध्यान दिलाना है कि बहुत ज़्यादा अत्याचार, जिस कदर महिलाओं पे अपराध और अत्याचार बढ़ रहे हैं उनको लेके कोई भी जवाबदेही नहीं है। अब आप देखिए जिस कदर पॉलिटिकल राजनीतिक संरक्षण के तहत जितने भी बलात्कारी, अब आप देखिए चाहे वो हाथरस हुआ हो, कठुआ हुआ हो, चाहे वो उन्नाव हुआ हो, और अब संदेश खाली देख रहे हैं, यहाँ राजस्थान में भी जिस तरीके से बाड़मेर में इतना भयानक कांड और रोज़ ही नज़र आ रहे हैं, तो हमारा हम ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी हिंसा और महिलाओं के शरीरों पर हो रही हिंसा को हम नहीं स्वीकारेंगे, ये आज बंद हो, ये हमारा कॉल दिया जा रहा है। दूसरा, औरतों को पूरा हक है कि जितने भी कानून बने जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, उसको तत्काल लागू किया जाए, क्योंकि औरतों को अदरवाइज कोई हॉस्पिटल ले जाएगा ही नहीं, कहीं नहीं ले जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार क्यों नहीं लागू किया जा रहा है,
इसी तरीके से जो अन्य कानून है पेंशन को लेके और शहरी रोज़गार गारंटी, ये क्यों नहीं लागू हो रहे हैं? तो हमारा ये कहना है कि औरतें सरकार से हक मांग रही हैं, सरकार को मुंह नहीं फेरना चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको समाज में शांति चाहिए, उनको न्याय चाहिए और जो कानून है उनको लागू करने की कवायद है।